34 साल पुराने रोडरेज के केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सख्त सजा सुनाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना देकर छोड़ दिया था। सिद्धू के खिलाफ रोडरेज का मामला साल 1988 का है। सिद्धू का पटियाला में पार्किंग को लेकर 65 साल के गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति से झगड़ा हो गया था, जिसमें सिद्धू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया था। बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, वो कानून की महानता के सामने नतमस्तक हैं। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने गृह मंत्रालय पहुंचे। किसानों के साथ पंजाब सरकार की सकारात्मक बैठक के बाद सीएम भगवंत मान और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान सीएम भगवंत मान राज्य से जुड़े कई मुद्दों को गृह मंत्री के सामने रखते हुए नजर आए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर पंजाब कैबिनेट की ओर से लिए गए दो अहम फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने शहीद जवान के परिजनों को सहायता राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने की जानकारी के साथ ही देश के लिए मेडल जीतने वाले सेना के जवानों की पुरस्कार राशि में 40% बढ़ोतरी की बात भी कही। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि पंजाब के हमारे वीर सपूत देश और पंजाब की रक्षा करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। उनका और उनके परिवारों का ख्याल रखना समाज की जिम्मेदारी होती है और उसी जिम्मेदारी को पंजाब कैबिनेट ने निभाया है। वहीं पंजाब की आबकारी नीतियों पर बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसे लेकर चंडीगढ़ स्थित सीएम मान के आवास पर बैठक हुई। सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त मंत्री हरपाल चीमा भी मौजूद रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में शराब की कालाबाजारी समेत अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आबकारी नीतियों पर बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। जेपी नड्डा ने जाखड़ का पार्टी में स्वागत किया। जाखड़ का पार्टी में स्वागत करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, सुनील जाखड़ के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब में बीजेपी को मजबूती मिली है और आने वाले वक्त में मिलकर पंजाब की राजनीति को नए मुकाम पर लेकर जाएंगे। सुनील जाखड़ ने बीजेपी में शामिल होते हुए कहा कि मैंने हमेशा जोड़ने का काम किया है। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग संगरूर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी पंजाब के घर घर जाएगी और लोगों से चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा बताई गई कमियों को ठीक किया जाएगा। इस जनसंपर्क अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहेगा। वहीं मोगा के मोठावाली गांव में सरपंच के साथ हुए विवाद पर केस दर्ज किए जाने पर अब पूर्व विधायक हरजोत कमल ने प्रदर्शन किया है। हरजोत कमल ने प्रदर्शन करते हुए सरपंच के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने और उनके बच्चों को जेल से रिहा करने की अपील की है। जिला गुरदासपुर के शहर बटाला के मेन बाजार में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने लाखों रुपए के मोबाइल और स्मार्ट घड़ियां चोरी कर ली। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चोर दुकान की छत का दरवाजा तोड़कर दुकान के अंदर आए और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
श्री मुक्तसर साहिब शहर के एक गांव की महिला सरपंच ने किसान नेता पति पर एक महिला ने उसका ऑडियो वायरल करने का आरोप लगाया। महिला ने अपने परिजनों के साथ महिला सरपंच के पति को कोटकपूरा रोड पर कार में घेर लिया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। वहीं इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अजनाला के गांव किरलगढ़ में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमले का आरोप सरपंच पर लगा है, जिसने पहले एक परिवार पर हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसके बाद मौत हो गई। उसके दूसरे दिन फिर हमला किया गया, जिसमें गोली मारकर दूसरे भाई की भी हत्या कर दी गई।